फ्रैंकलिन भी एक कह रहो, अच्छी तरह से काम नहीं करोगे तो हम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो हम लोग अपना खाना पाना कैसे करेंगे। चलो यार अच्छे से काम करो। सिंचन चुपचाप बैठा रहा, एक तो इतनी धूप में मैं तब से काम कर रहा हूँ, ऊपर से तू है कि सिर्फ भाषण चला रहा है, ये नहीं कि मेरी मदद कर दे। क्या बात कर रहे हो फ्रैंकलिन भैया, एक छोटी से बच्ची से आप मेहनत करवाओगे? ए भगवान, क्या हो गया है इस दुनिया को? अरे यार ये फ्रैंकलिन है ही ऐसा, अपना काम बच्चों से करवाता है और मेरे जैसे जानवरों से। चल मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यार कितना काम बचा है भाई, इतने बड़े गोल्फ कोर्ट को मुझे अकेले साफ करना है, तब जाकर के मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। काश मेरे पास और भी ज्यादा ताकत होती तो भाई मैं भारी भारी और मेहनती काम एक बार में कर लेता और ढेर सारे पैसे कमा लेता। ओहो क्या ही बात है, शरीर में मांस नहीं और चले हैं पत्थर तोड़ने। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली फ्रैंकलिन, मेरे पास एक ऐसा केमिकल है जिसको पीने के बाद तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स आ जाएगी और तुम भी काफी ज्यादा बड़े बड़े काम कर पाओगे और पैसे कमा पाओगे। क्या बात कर रहे हो, सही में ऐसा कुछ है क्या? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें झूठ थोड़ी बोलूंगा। फ्रैंकलिन मेरे भाई, मेरे को ना यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा है यार, मुझे ये आदमी सही नहीं लग रहा। हाँ फ्रैंकलिन भैया, चुप सही बोल रहा है, पता नहीं ये कौन है और कहाँ से आया। देख लो फ्रैंकलिन, अगर तुम्हें तागे चाहिए तो मेरी बात मान लो। चुप सिंचन, अपना मुँह बंद करो यार, एक बार ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। चलो यार गाइस, अपन लोग ना इसकी केमिकल को ट्राई करते हैं, देखते भाई अपने अंदर पावर आती है कि नहीं। ओ भाई साहब, ये केमिकल तो कुछ अलग ही टाइप का लग रहा भाई, ये तो भाई ऐसा लग रहा कि भाई कोई मिल्क शेक है। चलो यार इसको अपन लोग पी लेते। ओ भाई ये इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा गंदा है, पर यार मेरे अंदर अभी भी कोई पावर्स नहीं है। ओए डॉक्टर तू पागल हो गया क्या, तूने तो बोला था भाई इसको पीते साथ। ओ भाई भाग किधर है? ओए भाई ये क्या हो गया, ये भाई कहाँ भाग गया? फ्रैंकलिन भैया, मैंने तो आपको पहले ही बोला था ये बंदा आपको उल्लू बना रहा था, पर आप थे कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। अबे छोड़ ना यार सिंचन, कम से कम फ्री में एक कप कॉफी तो दे करके गया। चलो गाइस अपन लोग फिर से अपने काम पर लगते हैं, पता नहीं यार कब तक ये काम खत्म होगा और हम लोगों को पैसे मिलेंगे। अबे यार फ्रैंकलिन तू भूल गया क्या, आज हम लोगों को जल्दी घर जाना है। अबे हाँ यार चुप जल्दी से आ भाई, मेरे को अभी याद है अपन लोगों को तो जल्दी आज घर जाना पड़ेगा। भाई आज तो टीवी में काफी खतरनाक शो आने वाला है सुपर हीरो का। चलो चलो जल्दी से निकलते अपन लोग सीधे घर की तरफ। फ्रैंकलिन भैया, जब आपकी कमाई हो जाएगी ना तो उससे मैं ढेर सारे चोको चिप्स लूंगा। गाइस अपने फ्रैंकलिन सिंचन और चॉप को ये पता ही नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके पीछे हाथ धो कर करके पड़ गई थी। फ्रैंकलिन जिसे एक नॉर्मल कॉफी समझ रहा था, वो कोई कॉफी नहीं थी बल्कि वो एक ऐसा केमिकल था जो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को खतरे में डाल सकता था। और गाइस अब वो केमिकल एक्स अपने फ्रैंकलिन के अंदर था। तो भाइयों तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है अपने सिंचन और चॉप के साथ में? अगर तुम्हें जानना है तो ये वीडियो तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा, पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख दो गाइस। मंत्रा गेमिंग ओपी। चलो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रैंकलिन भैया, अगर आप कार अच्छे से चलाते तो वो खराब नहीं होती, बेकार में हम लोगों को यहाँ पर आने में देर हो गई और इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग वो शो नहीं देख पाए। अरे सिंचन मैं क्या करता, ये खटारा कार जब देखो तब खराब हो जाती है, इसके कारण यार इतना मेहनत भी बेकार हुआ। चल यार अब कुछ नहीं कर सकते, अपन लोग सीधे चलते अपने सोने के लिए। चल तू भी जा सोने के लिए और मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। गाइस फ्रैंकलिन सिंचन चॉप तीनों एक साथ एक ही बेड पर सो रहे थे, किसी को पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है। तभी गाइस अचानक से अपना फ्रैंकलिन वहां से गायब हो जाता है और अपने सिंचन को गाइस एक खतरनाक सांस की आवाज सुनाई देती है। जब अपना सिंचन उठ करके देखता है तो उसे कहीं पर भी फ्रैंकलिन दिखाई नहीं पड़ता है। अरे यार चुप, फ्रैंकलिन भैया दिखाई नहीं दे रहे, इतनी खतरनाक मौसम में आखिर वो कहाँ चले गए होंगे? बारिश भी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि फ्रैंकलिन भैया बाहर गए होंगे, मुझे जल्दी से खोजना पड़ेगा। अरे यार मैं बेकार में टेंशन ले रहा हूँ, इतने गंदे मौसम में पता नहीं कहाँ जाएंगे वो, हो सकता है घर में किसी कोने पे जाकर के सोए होंगे। मेरे और चुप के इतने खतरनाक पैर की स्मेल उनको यहाँ पर सोने नहीं देती होगी। चलो यार बेचारा इतना काम करता है, उनको बुला के लेके लाते हैं और यहाँ पर सुला देते हैं। फ्रैंकलिन भैया किधर हो? अरे फ्रैंकलिन भैया नाराज क्यों हो रहे हो, अरे कुछ तो बोलो। अरे यार कहीं चले गए, इनको खोजना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी किसी भी कोने में जाकर के ये सो जाते हैं। बापरी ये तो बारिश काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है, अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रहा तो भाई पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अरे ये क्या, आखिर फ्रैंकलिन भी यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ चले गए ये? ए
अरे बाप रे, इतनी डरावनी आवाज किसकी थी? ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। पता नहीं क्यों, पर मेरा ये घर धीरे धीरे भूतिया होता जा रहा है। मुझे जल्दी से फ्रैंकलिन भैया को खोजना पड़ेगा। खोज करके इधर से निकल जाता हूँ। चलो यार, इधर से निकलते अपन लोग। सिंचन कहाँ जा रहा है तू? और तू किसे खोज रहा है? एक मिनट, ये सामने कौन खड़ा है? कौन हो तुम? ओए, कौन हो तुम और मेरे घर पे क्या कर रहे हो? ओए कुछ तो बोल। अरे ये मूर्ति। ओए बोल, नहीं तो मैं तेरे सर फोड़ दूंगा। अरे यार ये क्या, अरे बाप, ये क्या चीज है? सिंचन, मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भैया। मेरी तरह तू भी बनना चाहेगा? पागल हो गए हो क्या? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? फ्रैंकलिन भैया तो पागल हो गए। अरे नहीं, पागल नहीं, ये तो एक खतरनाक मॉन्स्टर बन चुके हैं। अरे बाप रे, क्या करूं? अबे चौप, उठ उठ उठ। क्या कर रहा है अबे चौप? अरे चौप, मेरे भाई मारा जाएगा, जल्दी से उठ जा। चौप मेरे भाई, मेरा बात मान ले यार, वो मॉन्स्टर हमारे घर के सामने। अरे बाप रे, वो तो सामने ही खड़े। फ्रैंकलिन भैया हमें छोड़ दो, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? भागने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुझे खोज लूंगा सिंचन, और तुझे भी मैं अपनी तरह एक अल्ट्रा ज़ॉम्बी बना दूंगा। गाइस, अपना फ्रैंकलिन एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुका था। वो केमिकल कोई नॉर्मल केमिकल नहीं था, बल्कि वो एक अल्ट्रा ज़ॉम्बी बनाने वाला केमिकल था। और उसी के कारण अपना फ्रैंकलिन अब इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि सबकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है गाइस कि फ्रैंकलिन का सबसे पहला शिकार और कोई नहीं बल्कि अपना सिंचन है। सिंचन अपनी जान बचा करके वहां से निकल जाता है और सीधे पहुंच जाता है आयरन मैन के घर की तरफ, क्योंकि गाइस अब सिर्फ एक आयरन मैन ही है जो हमारे सिंचन की जान को बचा सकता है। तो गाइस, तुम्हें क्या लगता है, क्या सिंचन की जान बच पाएगी या सिंचन भी फ्रैंकलिन की तरह एक ज़ॉम्बी बनकर के रह जाएगा? गाइस, अगर तुम्हें ये जानना है कि आगे क्या हुआ तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में मंत्रा गेमिंग ओपी लिख दो। टोनी अंकल, जब भी काम पड़ती है आप गायब कहाँ हो जाते हो? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हम लोग। टोनी अंकल किधर हो? टोनी अंकल किधर हो यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अरे कौन सा दरवाजा था उनका बेडरूम का? हाँ यार यही था। अरे सो तू रहा, उठ जाओ। अरे उठो यार, इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है यार? तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? टोनी अंकल, प्रॉब्लम ही इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मुझे आपके पास आना ही पड़ा। आपको पता है फ्रैंकलिन भैया के साथ में क्या हुआ है? सुबह एक डॉक्टर ने अपने फ्रैंकलिन भैया को एक केमिकल पिलाया था और बोला था कि वो काफी पावरफुल हो जाएंगी। हाँ तो उसके बाद वो पावरफुल हुआ क्या? टोनी अंकल, पावरफुल का तो पता नहीं, पर वो काफी ज्यादा खतरनाक एक मॉन्स्टर बन चुके हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, वो मेरे खून के प्यासे हो चुके हैं। वो मुझे भी मार करके अपनी तरह एक मॉन्स्टर बनाना चाहते हैं। टोनी अंकल, मुझे बचा लो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तू टेंशन ना लो सिंचन, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरे साथ चल, मैं जा करके देखता हूँ कि फ्रैंकलिन कितना खतरनाक मॉन्स्टर है। ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जिसे मैं नहीं हरा सकता? जब मेरे हाथों का दो चार मुक्का वो खाएगा तो ठीक लाइन पे आएगा। टोनी अंकल, जो करना है करना, पर वह जाकर के मर मत जाना। अगर आप मर गए तो मुझे कौन बचाएगा? अरे सिंचन, तू डरता क्यों है यार? मैं एक एवेंजर हूँ और तुझे तो पता ही है कि मेरा सूट कितना ज्यादा ताकतवर है। चल चल के देखते हैं अपन लोग कि फ्रैंकलिन का क्या हाल है। नहीं नहीं, अभी जाओ, मुझे जाने का कोई शौक नहीं है। अगर आप मर गए तो कम से कम मैं यहाँ पर रह करके यहाँ से भाग तो पाऊंगे। ठीक है सिंचन, तो एक काम कर, तू यहीं पर खड़ा रहा, मैं जाता हूँ और जा करके उसके ठिकाने लगा कर जाता हूँ। किधर है? अरे यार फ्रैंकलिन किधर है तू? फ्रैंकलिन मेरे भाई। अरे यार फ्रैंकलिन तो मुझे यहाँ पर दिख भी नहीं रहा। अरे सिंचन और फ्रैंकलिन मिलकर के मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा हुआ तो यार मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, उसके बाद तो मैं इन दोनों को धोना ही चालू कर दूंगा। टोनी अंकल, फ्रैंकलिन भी आपको दिख गया? अरे नहीं यार सिंचन, अभी तक तो मुझे वो कहीं पर नहीं दिखा। मैंने पूरे घर को छान मारा पर मुझे अभी तक वो दिखाई नहीं पड़ा। आखिर कहाँ चला गया? हो सकता है यार सुबह होने के बाद वो घर चला गया होगा अपना। टोनी अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? उनका तो घर यही वाला है ना। ये भी तूने बात सही बोली यार सिंचन, फ्रैंकलिन को तो इधर ही कहीं पर होना चाहिए था। एकदम सही बोला तुम लोगों ने, और मैं यहीं पर हूँ और अब तुम्हारी मौत भी है। टोनी गाइस, टोनी स्टार्क और यार अपना मॉन्स्टर फ्रैंकलिन दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। तो भाइयों, तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है?
क्या आयरन मैन टोनी स्टार अपने मॉन्स्टर फ्रैंकलिन को हरा देगा, या मॉन्स्टर फ्रैंकलिन इतना ज्यादा ताकतवर है कि टोनी स्टार को भी मॉन्स्टर बना देगा। गाइस अगर तुम्हें जानना है तो इसका अगला पार्ट तुम्हें जरूर देखना चाहिए। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। आप लोगों से हम लोग मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो में।